आदि शब्द येशु नाम, अंधि शब्द येशु नाम, आदि अंधि येशु नाम, सबसे प्यारा येशु नाम, ऐसा है ना? पता नहीं नरसिंह का पता है ये पता नहीं, गाइए। आदि शब्द येशु नाम, अंतिम शब्द येशु नाम, सबसे प्यारा येशु नाम, सबसे नहीं आता ब्रदर। हालेलुया। आदि शब्द येशु नाम, अंतिम शब्द येशु नाम, आदि अंतिम येशु नाम, सबसे प्यारा येशु नाम। आदि शब्द येशु नाम, अंतिम शब्द येशु नाम, आदि अंत येशु नाम, सबसे प्यारा येशु नाम। येशु 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 नाम, येशु नाम पावन नाम, येशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना येशु नाम। पौलुस तथा सीलास जब कारागृह में पड़ा था, जेल में पड़ा था, आपको मालूम है आधी रात का समय पौलुस और सीलास यीशु की महिमा करते हुए गीत गा रहे थे। बीच में क्या हो गया? गीत गाते समय, यीशु के नाम लेते समय कारागृह का नींव हिलने लगा, जेल का फाउंडेशन हिलने लगा और सारा द्वार, जेल का सब दरवाजा अपने आप खुल गया। यस, ये तो बाइबल में लिखा है, सच है। और सबका हाथ कड़ी जंजीरें टूट गया, सब लोग स्वतंत्र हो गया था। उसमें चमत्कार की बात यह है, स्तुति किया दो व्यक्तियों ने, कौन है? पौलुस और सीलास। लेकिन स्वतंत्र हो गया कौन? सभी लोग। देखियो प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 वाक्य संख्या 25 से लेके पढ़ना है, स्तुति किया पौलुस तथा सीलास, लेकिन स्वतंत्र हो गया सभी लोग, सब लोग स्वतंत्र हो गया। इसलिए वचन हमें कहा जाता है, वाणी यीशु की वाणी, प्रभु यीशु में तुम विश्वास रखो, तुम और तुम्हारे परिवार की मुक्ति होगा। ये वचन आप विश्वास करते हो? एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो परिवार की मुक्ति। हालेलुया। हो सकता है पति नहीं आया, हो सकता है पत्नी नहीं आया, बच्चे नहीं आया, अरे छोड़ दे, उसके बारे में तुम निराश नहीं होने का। तुम यहां बैठ के ईश्वर की महिमा करने से, यीशु के नाम लेने से, तुम्हारा परिवार में जितना भी लोग है सबकी मुक्ति है। यीशु नाम लेने से शैतान डरते है। हम हमारे घर में, परिवार में, मकान में हमेशा यीशु के नाम लेने का, हमारा मुसीबत का समय में यीशु के नाम लेने का, हम थक जाते समय यीशु के नाम लेने का, हम डरते समय यीशु के नाम लेने का। आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों का मुक्ति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ यीशु नाम। यीशु नाम बोलो, सब मिलके जोर से बोलो, हमारे मकान में यीशु के नाम लेने से शैतान नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, हमारे मुक्ति दादा, हमारे शांति दादा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि शब्द यीशु है, अंधि शब्द यीशु है, आदि शब्द यीशु है, अंतिम शब्द यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। हालेलुया, यीशु की जय हो। हालेलुया। ताली बजा के, येशु 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 नाम, येशु नाम पावन नाम, येशु नाम प्यार नाम, जपते जाना येशु नाम। येशु 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 नाम, येशु नाम पावन नाम, येशु नाम प्यार नाम, जपते जाना येशु नाम। येशु 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 नाम, येशु नाम पावन नाम,
यीशु नाम प्यार नाम जपत जाना यीशु नाम आदि शब्द यीशु नाम अंति शब्द यीशु नाम आदि अंत यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम प्यार नाम जत जाना यीशु नाम शांतिदायक यीशु नाम सौख्यदायक यीशु नाम मुक्तिदायक यीशु नाम सबसे प्यारे यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम प्यार नाम जत जाना यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम प्यार नाम जत जाना यीशु नाम सियारा ला 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 सियारा ला 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 सियारा ला 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 Shiyara la 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 मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मेरे प्रभु तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया पापियों को खोल लिया सबसे प्यारा यीशु नाम तूने अपने लहू से स्वर्ग द्वार खोल दिया अगर इसको लिरिक्स नहीं आता ना ये ऐसे तूने अपने सुना अभी इतना स्मार्ट है ना ये यूथ का रिट्रीट में तीनों दिन यही गाती थी मैं मलयालम में गाना गाता ये जो है ना अम्मे एंडे अम्मे एंडे ईशो युडे अम्मे अम्मे इन्ने अम्मे इन्ने ईशो युडे अम्मे ये तो सिक्का लगता है बाप इसका गाना मैंने यूट्यूब में डाला था ऐसे ऐसे हम लोग गाना गाया था बहुत से लोग बोला देखो वो लड़की कितना अच्छा से गाते कितना अभिषेक है बोला ये थोड़ा उछल गया ना थोड़ा देखो ऐसा गया ना ये बहुत से लोग कमेंट में डाला ये जो लड़की बहुत अभिषेक है उसका स्वर उसका आवाज़ अच्छा इसकी माँ तुम्हारी माँ आए कोई नहीं आए घर से हाँ वो जो देखा है उनको है ना हालेलुया यीशु की स्तुति हो हालेलुया तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया पापियों को खोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम तूने अपने लहू से स्वर्ग द्वार खोल दिया पापियों को खोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया भाभियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम तूने अपने लहू से स्वर्ग द्वार खोल दिया भाभियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम यीशु 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 नाम पावन नाम यीशु नाम प्यार नाम जत जाना यीशु नाम यीशु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया शांतिदायक यीशु नाम सौख्यदायक यीशु नाम आनंददायक यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम शांतिदायक यीशु नाम सौख्यदायक यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम शियरा ला 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 शियरा ला 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 शियरा ला 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 Shiyara la 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 Hallelujah 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 मेरे प्रभु मेरे ईश्वर 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 मेरे प्रभु प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य संख्या 25 से लेके पढ़िए जरा पढ़िए बेटी जरा आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे कैदी स्तुति नहीं किया कैदी क्या कर रहे थे सुन रहे थे अब जरा नोट कीजिए वजन कैदी सुन रहे थे स्तुति कौन कर रहा स्तुति कौन कर रहे थे पौलुस तथा सीलस सुनिए तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि देखा स्तुति करते ही भूकंप होते हैं भूकंप आगे बंदी गृह की नींव हिल गई बंदी गृह की माने जेल की नींव फाउंडेशन हिल गई हिलने लगा इतना शक्ति है स्तुति को यीशु के नाम लेने से इतना शक्ति है पावरफुल है अविश्वास मानिए बंदी गृह की नींव हिल गई आगे उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई देखियो उसी क्षण पौलुस तथा सीलास ने स्तुति किया उसी क्षण उसी समय ताबड़तोड़ क्या हो गया कैदियों का जो जंजीरें बांधा है ना हथकड़ी बोलते हैं वो सब ढीली हो गई हाथ निकाल सकते हैं हथकड़ी से ढीली पड़ गई अपने आप हाथ भी चमत्कार है कितना भी बड़ा शैतान हमें सताते रहे आज भी प्रभु यीशु के नाम लेने से चमत्कार दिखता है हालेलुया पढ़िए कारपाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं कारापाल हु इज कारापाल कारापाल कौन है कारापाल क्या मतलब है जेलर कहा जाता है वॉचमैन कहा जाता है सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है इन सबको देखने वाला संभालने वाला देखो पुराना जमाने में ऐसा आज भी ऐसा है जो कारापाल का होते हुए कोई कैदी अगर मुक्त हो जावे तो उनसे पूछेगा सही है कि नहीं वो जवाबदारी है उनका वो जवाब देना पड़ेगा कारापाल जब जाग उठा माने उतना समय वो क्या कर रहा था सो रहा था जब भी तो जाग उठेगा जाग उठा देखा तो अरे सारा कैदिया स्वतंत्र हो गया सब जंजीर टूट गया सबका ढीली पड़ गया सब देखिए आगे क्या होता है इसीलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए देखा ये नबुद्धियों का काम है क्या बोलते हैं मंदबुद्धि बोलते हैं मंदबुद्धि बोलते हैं मंदबुद्धि मतलब क्या है जो पागलपन का कार्य करता है सही है ना हालेलुया मंदबुद्धि है ना बुद्धि निर्बुद्धि
अरे हम भी ऐसे हैं, कोई 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 मुसीबत का समय आएगा हमारे जीवन में, हमारे घर में कुछ एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ लपड़ा हो जावे, कुछ ना कुछ तकलीफ हो जावे, या पैसा की कमी, या पराजित होते समय, कोई कोई बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, एग्जाम लिखते हैं, फेल होते हैं, बस अभी मर जाओ क्या? कभी नहीं मरना। आत्महत्या, आत्महत्या माने क्या होते हैं? आत्मा की हत्या। हत्या माने क्या है? हत्या करना। हत्या मत करो, 10 आके हम पढ़ते हैं मूसा द्वारा दिया, हत्या मत करो, उसका मतलब क्या? किसी को मारना नहीं, सही है ना? हत्या, आत्महत्या माने आत्मा को, आत्मा की हत्या करना, आत्मा को मार डालना, समझ गया ना? आत्महत्या नहीं करना, सीधा नरक में जाएगा। केरल में इतना पढ़े लिखे लोग है, फिर भी आत्महत्या बहुत है। नहीं, कभी नहीं करना। एक लड़का मीन्स शादीशुदा है और उसकी बीवी, दोनों आपस में झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद वो लड़की ने बोला, अभी मुझे डिवोर्स करना है, तुम नहीं चाहिए मेरे जीवन में। प्रभु ने जोड़ा मनुष्य, उसे अलग नहीं करना चाहिए, समझ गया ना? लेकिन वो डिवोर्स केस दिया, और जिस दिन डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गया कोर्ट में से, वो लड़का क्या किया मालूम है? मुझे ये मालूम नहीं था, मेरा मोबाइल में 3-4 मिस्ड कॉल देखा मैंने, रात को 12 बजे मैंने ये सब मोबाइल चेक कर रहा था, मैं प्रोग्राम में था। आप लोग थोड़ा समय खड़ा रहने का, क्योंकि थोड़ा अच्छा ही है ना, खड़ा रहने से अच्छा है ना? ये तो बहुत टाइम से खड़ी है, मैं भी तो खड़ा हूँ, हालेलुया। तो वो लड़का ने मुझे 3-4 बार बुलाया, मिस कॉल देखा, मैंने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था, बहुत बिजी था। रात को 12 बजे मैंने देखा तो बहुत सारा मिस कॉल है, लेकिन एक नंबर से 3-4 दफ़ा कॉल आया। रात को 12 बजे तो आधी रात है ना, सब लोग तो सोते हैं, वापस नहीं बुलाने का। हो सकता है कोई लड़की, सॉरी कोई बीवी लेडी बुलाया होगा, कोई कोई पति से बोलने भी ना बुलाते हैं, और पति का ही कसूर बोलते हैं, वो शराब पीते, वो मारते हैं, वो ऐसा करते हैं, शक करते हैं। तो फिर हम लेडी को बुलाए होते रात को 12 बजे, वो बोलेगा अरे कौन है रे, रात को 12 बजे किसका फ़ोन है? इसलिए मैं बुलाते नहीं किसी को। लेकिन मेरा मन में ऐसा प्रेरणा है, ये जो 3-4 दफ़ा मिस्ड कॉल आया, उसको जरा बुलाओ 12 बजे रात को, कुछ भी हो। प्रभु ने ऐसा प्रेरणा दिया, मैंने उस नंबर में बुलाया, एक लड़का ने उठाया, मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोला, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, मैं सन्नी ब्रदर हूँ। उसने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, आपने बुलाया था मुझे? हाँ ब्रदर। इतना मैं, वो रोने लगा, मुझे समझ में नहीं आया। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा सन्नी काटुकारन, उसमें नंबर दिया है, हर वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। वैसे उसने बुलाया, बोला मैंने आपका वीडियो देखा था, वो नंबर देखे इसलिए मैं बुलाया। मैं बोला क्या हो गया, क्यों रो रहे आप? वो रोते हुए मुझसे बोला, सन्नी ब्रदर अगर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आपने मुझे बुलाया हो तो मैं ये दुनिया से चला गया होते। क्यों? बोलते मैंने सुइसाइड करने के लिए सब बंदोबस्त किया, रस्सी गले में डालने के लिए जा रहा था, इसी समय आपका घंटी, आपका फोन बेल बजा। ये कौन है ये आधी रात का मुझे बुलाता है? वो भी देखो उसके बाद में मरेगा, ये सोचकर उसने रस्सी निकाल कर नीचे उतरा, आके फोन देखा तो मेरा फोन नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है। बोला सन्नी ब्रदर 2 या 3 मिनट के बाद आपने फ़ोन किया हो तो मैं नहीं मिलता था। मैं बोला क्यों तुम मरना चाहते हैं? आत्महत्या इतना बड़ा पाप है। बोलने लगा भैया मेरी बीवी मुझसे अलग हो गया, आज ये डिवोर्स हो गया, अभी मैं किस लिए जीने का? मैं बोला जिस बीवी तुम्हें छोड़ के चला गया, तुमसे प्यार नहीं करते इसलिए वो छोड़ के चला गया, उस बीवी के लिए तू क्यों मरने का?
अरे जो बीवी तुम्हें नहीं चाहता है उस बीवी के लिए तुम क्यों आत्महत्या करने का? लेकिन तुम्हें चाहने वाला एक प्रभु है, तुम्हारे लिए जीवन कुर्बान किया हुआ एक यीशु नाम है उनका, वो प्रभु चाहता है तुमको। अरे छोड़ो, जिस बीवी ने तुमको नहीं चाहते वो डिवोर्स करके चला गया, उस बीवी के लिए तुम मरना नहीं। उसने बोलने लगा, सही है सनी बदर, अभी मेरा आँख खोला, सच है। अगर उसको जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु को जरूरत है, यीशु मुझे चाहता है, मेरा जीवन दाता है, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए सब कुछ किया, बहुत कष्ट उठाया मेरे लिए, मैं कितना भी पाप करेगा फिर भी मेरा पीछे आता है मेरा प्रभु यीशु, बेटा तू पाप मत कर, मुझे तेरा हृदय में रहना है। मेरे लिए इतना इतना कष्ट उठाया, मैं रोते समय प्रभु यीशु भी रोते, मेरे लिए जीवन कुर्बान किया। आकाश के नीचे पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए बलिदान कर दिया, ताकि किसी का सर्वनाश न हो। स्वर्ग छोड़कर एक प्रभु ये धरती में इसलिए आया, इसलिए अभिशाप का मृत्यु अपने आप खुद ले लिया अपने ऊपर। मैं मरने वाला था उस सूली पर, मैं चढ़ने वाला था, लेकिन मेरा प्रभु मेरा बदला, प्रभु ने मेरे लिए जीव त्याग किया है। प्रभु साथ है आप लोगों को, कितना भी मुसीबत पड़े कभी मरना नहीं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पढ़िए बेटी, पढ़िए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, अपनी हानि मत कीजिए। आत्महत्या बड़ी हानि होता है, अपनी हानि मत कीजिए। शराब पी के तुम अपने आप को आत्महत्या में ले जा रहे हैं। तुम्हारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। प्रभु का मंदिर है तुम्हारा शरीर। तुम्हारा शरीर को ये गांजा बींजा, ये क्या बोलते हैं, सारा गंदा चीजों से तुम क्यों बर्बाद करते हैं? तुम तुम्हारा खुद का नहीं है, तुम्हारा शरीर ईश्वर के हो। आगे, हम सब यही है। तब कृपाल चिगार मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कारोपाल ने ये देखा, अरे इतना चमत्कार होता है, ये कुछ सज्जन है, इसलिए उन्होंने दोनों को बोला, सज्जनों मुझे भी मुक्ति पाना है, मुझे क्या करना होगा? पौलुस ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। ईसा में विश्वास करने का, दूसरे किसी में नहीं, ईसा में। सबसे प्यारा नाम यीशु। विश्वास करते हो आप लोग? करते हो? आवाज नहीं है। विश्वास करते हो? आज गारंटी के साथ मैंने बोलना चाहता हूं, आपकी मुक्ति है, परिवार की मुक्ति है। कल तक कैसा भी जिया हूं, कल तक गरीबी में जिया, कल तक बीमारी में जिया हूं, विश्वास करने वाला उनकी चमत्कार देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये लड़की यीशु के नाम लेके गाना गाएगा, उस समय हम भी आंखें बंद करते हुए ताली बजाते हुए यीशु के नाम लेने का, यीशु की महिमा करने का। आज ही अब भी इसी वक्त शैतान भाग जाएगा। विश्वास करते हो? जोर से बोलो, विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, उनका नाम है यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, शांतिदायक यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, सौख्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम।
यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यार नाम, यीशु यीशु। आंखें बंद कीजिए। अपने कून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को खोल लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। Yeah.